अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आज मैं आया हूँ इस्लाम भाई से बात करने, जो बिहार के जिला मुजफ्फरपुर बांद्रा पंचायत और मलंगा गांव के रहने वाले, इनके गांव में चांद बाबू कैंडिडेट है। मतलब ये कि उनकी वाइफ नाजमीन बेगम कैंडिडेट है और चांद बाबू वहाँ के काफ़ी फेमस है, एक समाज सेवक है, सोशल वर्कर है, लोगों का रात दिन गरीबों का, मजलूमों का, बेसहारों का काम करते रहते हैं बिना जात पात के, बिना भेदभाव के। तो आइए हम जानते हैं इस्लाम भाई से। स्वागत है 24 यस न्यूज़ में। आपके गांव में बिहार मुजफ्फरपुर में चांद बाबू इलेक्शन में खड़े हैं, मतलब उनकी अहलिया पत्नी खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहिए आपके न्यूज़ 24 यस न्यूज़ की माध्यम से सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं उस इलाके वालों को, और सबको मैसेज देना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि गुजारिश है चलो सरपंच बनाए चांद बाबू। सरपंच में करें कि मुखिया में करें? सरपंच में। क्या सरपंच की कैंडिडेट? जी गुजारिश है कि चलो सरपंच बनाए चांद बाबू को, लगा कर नल पे मोहर और जुड़ाए चांद बाबू को। चांद बाबू ने ऐसा क्या किया है जो लोग चांद के जैसे विकास हो या नहीं किया है, तो आने वाले वक्त में चांद बाबू विकास कर सके, इससे पहले कुछ उन्होंने किया है? इससे पहले हमेशा करते ही रहे हैं वो, और हमेशा करते रहते लोगों के बीच है, नहीं है कोई पद पे नहीं है, फिर इतना काम कर रहे हैं, पद मिलने के बाद और भी बहुत सारा काम करेगा। सरपंच का तो काम है लोगों के बीच में रहना, लोगों को जोड़ के रखना, इसमें कोई मुखिया और जिला परिषद का कोई काम ऐसा नहीं है कि हाँ रोड बनाना और ये जो है टेंडर को देखना या ये और भी चीज़ देखना। सरपंच का काम क्या होता है, तो ये क्या काम करेंगे? सरपंच का काम ये लोगों को जोड़ने वाला है, जोड़ के रहते हैं, जोड़ के रखना है, जोड़ के रखने वाला है। और भी बहुत सारे लोग हैं बिहार की सैर जमीन पे, तो ये अक्सर होता रहता है कि एक लकड़ी उधर मारा और दोनों में लड़ाई इस पंचायत वैसा, लेकिन ये वो आदमी नहीं है लड़ाने भिड़ाने वाला आदमी नहीं है ये, अगर कोई आदमी लड़ता भिड़ता है तो उसको ये सॉल्व करते हैं, उनका मसला हल करते हैं, उसका मामला हल करते हैं, क्योंकि लोग आगे ना बढ़ जाए, थाना पुलिस ना कर ले कोई, अगर कोर्ट कचहरी ना कर ले, कोर्ट कचहरी अगर कोई लोग जाता है तो वहाँ से कोर्ट कचहरी में चाहे वकील हो चाहे कोई और हो, यहाँ मौका वारदात पे नहीं आता है। मौका वारदात पे यहाँ के सरपंच मुखिया रहता है, सरपंच रहता है, और गांव के तमाम लोग जो है जो यहाँ के वासी हैं इस गांव के रहते हैं वो लोग रहते हैं, मौका वारदात को ये लोग देखते हैं, देख करके सबको निर्णय लेके सबके साथ बैठ करके हल निकालते हैं, ये आपस में सब जुड़े रहे मिले रहे। अच्छा, तो इस्लाम भाई ये बताइए, जो बांद्रा पंचायत है जहाँ से चांद बाबू इलेक्शन लड़ रहे सरपंच का, जिनकी निशानी नल है और उनका अपना एक अपने आप में एक बल है, तो उस गांव में कितना, जो उस पंचायत में बांद्रा पंचायत में कितना गांव है? हमारे हिसाब से, मैं तो यहाँ रहता हूँ, वहाँ तीन गांव, हमारे हिसाब से तीन गांव है, एक बांद्रा है, एक गोविंदपुर छपरा है, चंदौली है, मलंगा है। चूँकि मुखिया को जितने गांव के लोग, मुखिया को जितने लोग वोट देते हैं उतने ही सरपंच को वोट देते हैं, तो जितना गांव मुखिया का होता है उतने ही गांव सरपंच का होता है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे बांद्रा और जो गांव है उन, क्या अपील करेंगे आने वाले 24 तारीख को, 24 नवम्बर को वहाँ इलेक्शन होना है? तो लोगों से तो मैं अपील पहले ही बता दिया हूँ, दो लफ्जों में बता दिया हूँ, गुजारिश है कि चले सरपंच बनाए चांद बाबू को, गुजारिश है चलो सरपंच बनाए चांद बाबू को, लगा कर नल पे मोहर और जिताएं चांद बाबू को। और ये बहुत अच्छे आदमी हैं, चले सरपंच बनाते चांद बाबू को, और ये है जो बांद्रा पंचायत 8 से जो है लोग हैं उनके साथ मैं अपील करना चाहता हूँ कि जवां दिल है, सियासत में पकड़ मजबूत है इनका, जवां दिल है सरपंच में और सियासत में पकड़ मजबूत है इनका, और जिताओ दिल से और कुर्सी पे बिठाओ चांद बाबू। तो हमने बात किया इस्लाम भाई से, नूरुल इस्लाम जो उस गांव के रहने वाले, उस पंचायत के रहने वाले, उन्होंने खुल करके अपील किया कि लोग नल पे वोट दे आने वाले 24 तारीख को, चांद बाबू को जिताए, नाजमीन बेगम को जिताए। कैमरामैन शादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई से।